तो जैसे कि आपने पहले पार्ट में देखा कि कोटा पहुंचने के बाद सबसे पहले हमने विजिट किया हैंगिंग ब्रिज और उसके बाद 10-15 किलोमीटर का सफर तय कर हम पहुंचे गराड़िया महादेव मंदिर। तो कहाँ पहुंच गए जी? हम आगे हैं गराड़िया महादेव। अच्छा, तो यहाँ पे क्या है सिस्टम? यहाँ पे सिस्टम ये कि साहब पहले आप आओ, यहाँ पे मुकुंदा टाइगर रिजर्व आपने नाम सुना होगा। अच्छा, वहाँ का वन विभाग यहाँ लगता है, तो यहाँ के लिए टिकट लेनी पड़ेगी। 40 रुपीज़ टिकट है स्टूडेंट के लिए, और जो इंडियंस है उनके लिए 70 रुपीज़ का टिकट है। मैंने देखा उधर तो 23 रुपीज़ है शायद, तो टोटल ना के 40 रुपीज़ है। अच्छा, इसमें तेरी गलती नहीं, मैंने वो एक चीज देखी थी ना, आप इको डेवलपमेंट शुल्क पे तो देखो ना, वो क्यों लग रहा है करके 17, वो इको डेवलपमेंट क्यों लग रहा है? इको डेवलपमेंट इसीलिए लग रहा था कि आप जो भी पर्यावरण को हानि पहुंचाते हैं। तो हमने टिकट खिड़की से टिकट लिया, और एक बात और, वहाँ पेटीएम और फोन पे नहीं चलता, तो आपको कैश ही पेमेंट करना होगा। टिकट लेने के बाद हम निकल लिए मंदिर की ओर, लेकिन उससे पहले हमने अनुभव किया वहाँ का सुंदर दृश्य जो कि अद्भुत था। तो जस्ट पहुंचे हैं, और सीन दिखाऊं आपको? सीन दिखाता हूं आपको, सीन देखो जो आप, दिस इज हेवन, स्वर्ग है भाई, स्वर्ग। ये तो कोई फॉरेन व्यू लग रहा है पवन, बिल्कुल फॉरेन व्यू है। सीन देखो यार आप, यार आप, यार हम ऐसे छोटे मोटे जगह थोड़ी ना आए, ये देखो मोर भी इधर बाहर। मुझसे कह रहे थे हाँ। एक चंबल मिलेगी तुम्हें, एक चंबल नहीं बहुत कुछ मिलेगा अंकल जी। यार इस सीन के लिए तो यार सब कुछ, 30 किलोमीटर चल के आए कोटा सिटी से। यार ये तो बहुत छोटा दिख रहा है फोटो में, तो पीछे व्यू देख रहे हो आप मेरे, ऐसा मैंने सोचा भी नहीं था कि राजस्थान में ऐसी भी कोई चीज हो सकती है, क्योंकि ऐसे मतलब ये फॉरेन जो अपन व्लॉग्स देखते हैं उसी के अंदर होती है। तो गराड़ शिव मंदिर का एपिक सीन फोटो में जितना देखा था उतना ही सुंदर, उससे ज़्यादा सुंदर है, मज़ा आ गया। तो दोस्तों जैसे कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हो, गराड़िया शिव मंदिर का जो व्यू है सबसे ऐतिहासिक व्यू मैं बोल सकता हूँ राजस्थान का, बहुत ही ब्यूटीफुल। मुझे बिल्कुल पता नहीं था इस चीज़ के बारे में, लेकिन जैसे मैंने देखा, और मुझे बिल्कुल उम्मीद भी नहीं थी क्योंकि कोटा से बहुत बाहर है, लेकिन जो व्यू मैंने देखा ये एक तरह से बोल सकते हैं हम इंटरनेशनल व्यू, जो हम बाहर के फॉरेनर्स देखते हैं वो जाते हैं, तो वो व्यू है। तो मैं सजेस्ट करूंगा आप सभी को कि एक बार विजिट जरूर करें कोटा से, 30 किलोमीटर दूरी के स्थित है ये, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार यहाँ का एक्सपीरियंस करें यहाँ पर आकर, बहुत ही आला। गराड़िया महादेव, गराड़िया महादेव। मंदिर में एंट्री करने वाले ही हैं हम, और मंदिर तो काफी छोटा लग रहा है, लेकिन जो व्यू है उसका पैसा है, पैसा वस्तु, लेकिन महादेव का आशीर्वाद रहा तो हम सुरक्षित रहेंगे लाइफ में। फोटो वीडियो भी काफी अच्छी आ रही है। तो ये है मेन मंदिर महादेव प्रभु का, और हम जस्ट इधर आते हैं तो ये थोड़ा झरने के पानी बह रहा है जो कि नीचे नदी में जा रहा है, और इधर हमारे फिर ये दोस्त फोटो शूट करा रहे हैं, इधर भी काफ़ी शानदार एक व्यू है, और इसके जस्ट पास में आप देखोगे तो ये देखो झरने बह रहे हैं, हम इसको टेस्ट करेंगे कि कैसे क्या है। अशोक जी और हम दोनों आए हाय अशोक, क्यों कर रहे हो यार तुम मेरे को, तुम्हें तो तुम नहीं करे यार। हाँ यार एक बात है, दो तीन खींच लिया ना, एक भी नहीं खींचा वो अभी तक, ऐसे करोगे यार? हसदे चेहरिया का मतलब ये नहीं होंगे कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होंगी, वो मतलब ये होंगे कि इन्होंने तकलीफा नाल डील करना होंगे। व्यू देखो आप यार, हटा रहा है तू, तू मेरे को हटा रहा है, नीचे झरना बह रहा है, हाय हाय, गरम पानी है, गरम है एकदम, गरम पानी है, और मतलब कि ठंड के अंदर इतना गरम पानी, प्रभु का आशीर्वाद। तैयारी रिकॉर्डिंग, मजा आ गया, जस्ट ऊपर से नीचे उतरते ही इधर साइड में मंदिर है, इधर झरना बह रहा है, जिस पर अशोक जी मजे ले रहे हैं, नंदी बोलते हैं ना इसे, नंदी के मुंह से झरना बह रहा है। देवेंद्र कैसा लगा इधर आके? बहुत मजा आ रहा है। मजा आ रहा है क्या? ये पैसा वसूल? नहीं हंसना मत बोलना, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी बाकी है। दीपक पैसा वसूल है? नहीं अभी बाकी है, बाकी है। यहाँ का पैसा वसूल? अच्छा यहाँ का पैसा वसूल। हाँ ये तो 5 मिनट खड़ा रहूँ, मेरा तो बचपन से जब मैं पैदा हुआ था तो मेरे मम्मी पापा ने मुझे बोला था कि बेटा एक बार गराड़िया मंदिर जाना, महादेव जी जरूर जाना, तो जब से था कि मुझे जाना है। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है।
जो है वो समा है तुम रह सके ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी है।